जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त लक्की फौजी, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो आज हम बात करेंगे, बारिश का टाइम आ गया है, अभी श्रावण चल रहा है, बारिश लगभग हर स्टेट में, ऑल इंडिया में बारिश हो रही है। तो बारिश में दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, यदि बारिश में दौड़ना है तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से बारिश में दौड़ने से नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम है, लेकिन फिर भी कई बंदों का क्या होता है, भर्तियाँ नज़दीक आ रही है और प्रैक्टिस उनको करना जरूरी होगी, तो उसके लिए हमें क्या सावधानियाँ बरतनी है, तो उसके लिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाकी भाइयों को फायदा हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप रनिंग कर रहे हो, बारिश हो रही है, कोशिश करें बारिश नहीं हो तब आप रनिंग करें, फिर भी आपकी बारिश हो रही है और आपको दौड़ना है तो आप मेरे हिसाब से एक हैट यानी केप आप पहन के दौड़ सकते हो। केप पहनने से क्या होगा, जो बारिश की बूंदें आपकी डायरेक्ट आंखों में नहीं गिरेगी, तो आप हैट ले सकते हो, 40-50 रुपए की हैट आ जाती है, मतलब टोपी आप पहन के दौड़ सकते हो। दूसरा इसी में आता है एक विंड चीटर, यानी जिसमें पानी जाता नहीं है, इसके अंदर विंड चीटर को आप पहनोगे और इसके अंदर भी विंड चीटर को आप पहनने से क्या होगा, डायरेक्ट आपके शरीर में बारिश नहीं लगेगी और आपका शरीर जैसे दौड़ने में गर्म होता है और एकदम ठंडा, बारिश की वजह से ठंडा नहीं हुआ। बारिश में दौड़ने से नुकसान मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्यों, आप दौड़ रहे हो, शरीर गर्म हो रहा है, ऊपर से बारिश गिर रही है, ठंडा बारिश गिर रही है, जिससे क्या होगा, ब्लड जाम हो जाएगा, आपको सर्दी जुकाम भी लग सकती है, फिर भी आपको दौड़ना, तो इस हिसाब से आप विंड चीटर ले सकते हो। विंड चीटर पहन के दौड़ने से क्या होगा, डायरेक्ट बारिश आपके सर बॉडी पे नहीं लगेगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जूते। जूते आपके ग्रिप वाले जूते होने चाहिए, ग्रिप होने से क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा आपका, मिट्टी या कहीं दौड़ रहे हो तो दौड़ते समय क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा। तो अभी इन चीज़ों का ध्यान रखें। अभी दौड़ने से आपको नुकसान क्या होगा, बारिश के अंदर दौड़ने से क्या होगा, यदि आप दौड़ रहे हो तो शरीर आपका एकदम गर्म है, उसके ऊपर बारिश गिरेगी तो क्या होगा, गर्म और ठंडा शरीर होगा, उससे आपको सर्दी जुकाम या ब्लड आपका जाम हो सकता है, तो मेरे हिसाब से बचिए। दूसरा क्या, हाईवे के ऊपर दौड़ रहे हो आप, हाईवे पे दौड़ रहे तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, बारिश होती है तो ड्राइवर को दिखाई नहीं देता है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तीसरा इसी में पॉइंट रहता है, बारिश के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं गड्ढे रहते हैं और पानी से भर जाते हैं, तो गड्ढे के अंदर भी आप गिर सकते हो और आपको भयंकर चोट आ सकती है, इन चीज़ का आपको नुकसान होगा यदि बारिश में दौड़ते हो। तो कोशिश करें बारिश रुक जाती है तो उस टाइम आप दौड़ ले, ऐसे तो नहीं है कि भाई 24 घंटा ही बारिश हो रही है, तो बारिश नहीं होती है उस टाइम, आप चाहे दिन में एक बार ही प्रैक्टिस करें, लेकिन उस टाइम बारिश रुकने के बाद में आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल आ रहे थे, सर हम बारिश में कैसे दौड़े, क्या दौड़े, तो मेरे हिसाब से बारिश में नहीं दौड़े, बारिश से परहेज करें तो ये आपको फायदा, फिर भी आपकी बढ़ती आ रही, दौड़ना है तो आपको मैंने जो 3 से 4 बातें बताई है इनको आप अपनाना, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना और कोशिश करें कि ज़्यादा हाईवे पर नहीं दौड़े। आपके गांव में कोई पगडंडी है या कोई नॉर्मल रोड जा रही है जिसमें ट्रैफिक नहीं हो, उस हिसाब से दौड़े। इसी में एक पॉइंट और कवर करना चाहूँगा, जो आप जूते के अंदर जो सॉक्स पहनते हो, ज़्यादा मोटे सॉक्स नहीं होने चाहिए, पतले सॉक्स होने चाहिए, और आप जब दौड़ने जाते हो तो एक एक्स्ट्रा ड्रेस लेके जाइए, तो जैसे एक्स्ट्रा ड्रेस लेके जाए, एक टवाल लेके जाए, तौलिया लेके जाए, तो आप जैसे नॉर्मल दौड़ रहे हो उसके बाद में धीरे 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 आपको कूल डाउन होना है और उसके बाद में आपको ड्रेस चेंज कर लेनी, जो सूखी ड्रेस है तौलिए से पूंछ के आपको ड्रेस चेंज कर लेनी, जिससे आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बाकी भाइयों को फायदा हो सकते। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन घंटी को दबा देना, जिससे मेरे नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोग अपना ऐसे प्यार देते रहना। आपका दोस्त लक्की फौजी, जय हिंद जय भारत।